आलिया भट्ट के लिए ग्रैंड बेबी शावर की तैयारी, दादी नीतू कपूर कर रही बेहद खास प्लानिंग। कपूर और भट्ट खानदान में एक नन्हे मेहमान की एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। आलिया भट्ट जल्द ही मां बनने वाली हैं और अब उनकी मां सोनी राजदान और सासू मां नीतू कपूर उनके लिए ग्रैंड बेबी शावर पार्टी रखने वाली है। एक तरफ जहां आलिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तेज रफ्तार में है, वहीं प्रोफेशनल लाइफ के साथ भी पूरी तरह वह बैलेंस बनाकर तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। इस साल आलिया की 3 फिल्में गंगूबाई काठियावाड़ी, डार्लिंग्स और ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई और दूसरी तरफ उन्होंने इसी साल अपने बचपन के क्रश और लवर रणबीर कपूर से शादी रचाई और अब इसी साल वह माँ भी बनने जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो आलिया के लिए साल 2022 सबसे बेहतरीन साबित हुआ। खबर है कि सोनी राजदान और नीतू कपूर आलिया के लिए शानदार बेबी शावर पार्टी की प्लानिंग कर रही है। आलिया भट्ट के बच्चे की दादी और नानी के लिए यह मौका बेहद खास है और कहा जा रहा है कि इसे सेलिब्रेट करने में वे किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहती है। चर्चा है कि आलिया के इस बेबी शावर में केवल लेडीज ही शामिल हो सकेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया का बेबी शावर किस जगह रखा जाना है इसे लेकर फिलहाल कुछ तय नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वेन्यू मुंबई के अंदर ही मौजूद होगा। चर्चा यह भी है कि यह फंक्शन आलिया और रणबीर की शादी की तरह उनके घर में ही किया जाना है। कहा जा रहा है कि इस फंक्शन में आलिया की बहन शागिन भट्ट के अलावा रणबीर कपूर की बहन रिधिमा कपूर साहनी, कजिन्स करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर और इनके अलावा कांशा रंजन सिंह, नव्यानंदा, श्वेता बच्चन आदि शामिल होंगी। फिलहाल आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ अपने पहली रिलीज फिल्म ब्रह्मास्त्र को एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आलिया रणबीर के साथ पब्लिक इवेंट में खूब नजर आई है। फिल्म ब्रह्मास्त्र इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर केवल हिंदी में 5 दिनों में करीब 136.75 करोड़ रुपए की कमाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मोबाइल न्यूज 24/7।